दिलचस्प सवालात और जवाबात, बापा जान के सीखने सिखाने का सिलसिला, दुआएं और बहुत कुछ मदनी मुजाकरों में, जिसका तसलसल आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में बरकरार है। एक बहुत बड़ी तादाद मुर्तकीफीन की मौजूद है। आप भी सवालात पूछिए, मुमकिन सूरत में जवाबात दिए जाएंगे। मोहम्मद नवीद अत्तारी और मेरा ताल्लुक गोजरा से। सैयद मोहम्मद फैसल में क्लिफ्टन बैथलैंड से बात कर रहा हूँ। बाबा जान से भी बलुस्तान से आया हूँ। तौसा शरीफ पीर पठान की नगरी से हाजिर हुआ हूँ 30 दिन के इतिकाफ के लिए। मजर हुसैन अत्तारी इटली के शहर मिलान से। मैं मोहम्मद इमरान हुसैन अत्तारी बांग्लादेश जामियतुल मदीना ढाका से कह रहा हूँ। मोहम्मद नईम सिद्दीकी अत्तारी मरकज औरौलिया लाहौर। मोहम्मद रियाज अत्तारी पंजाब जिला गुलजार तैयबा साहिवाल से। जो कारी साहिबान मालदार के बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा तवज्जो दें और गरीबों के बच्चों पर कम, ऐसों के बारे में आप क्या कहते हैं? अब ये मफाद परस्ती होती है, मालदारों से माल मिलने की तवक्को होती है, गरीब देगा क्या? तो ये बहुत ही मजमूम सिफत है और उस्ताद के लिए ये ज़रूरी है कि गरीब और अमीर दोनों के बच्चों को यकसां तवज्जो से पढ़ाए। मैयत के दो जनाजे पढ़े जा सकते हैं? जनाजा एक ही पढ़ा जा सकता है, अलबत्ता अगर वली अकरब करीब भी सरपरस्त उसका कोई रह गया है सबसे करीब, मिसाल के तौर पर बेटा फोत हो गया और बेटे के जनाजे की नमाज लोगों ने मिलके पढ़ ली, अब बाप ने नहीं पढ़ी, अब दोबारा वो पढ़ सकता है। हाँ, बाप ने अगर इजाजत दे दी और लोगों ने पढ़ ली और खुद शरीक नहीं हुआ तो अब दोबारा नहीं पढ़ सकता, और अगर बाप ने इजाजत नहीं दी और लोगों ने पढ़ ली और अब ये पहुंचा जैसे, तो ये नमाज पढ़ सकता है। क्या रोजा रखने के लिए नियत करना जरूरी है? जी हाँ, हर अमल खैर के लिए, नेक अमल के लिए नियत जरूरी होती है, तो रोजा रखने के लिए भी नियत शर्त है। बगैर नियत के अगर कोई सुबह से शाम तक खाएगा पिएगा नहीं तो उसको बस वो भूख प्यास के सिवा क्या मिलेगा, डाइटिंग हो जाएगी, रोजा नहीं होगा। तो दिल में नियत होना काफी है, रात में उठकर सहरी खाई जैसे, तो ये सहरी भी नियत ही है। वो जहन में होता है कि सहरी क्यों खा रहे हैं, तो खाने का कोई वैसे तो मामूल नहीं होता रात में उठकर खाने का, तो यही जहन में होता है कि मैंने कल रोजा रखना है, रमजान है, तो ये भी नियत ही है, अल्फाज शर्त नहीं है इसमें, दिल में नियत हो। आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात जहन में आ रही है आपके? मैं वो सोच रहा था, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर, क्या देखे, दीदाए कोर माने अंधा, अंधा क्या देखे, इस पर वो दीवाने खुश होते जैसे हम इस काबिल हैं, हमें नजर आएगा, हम अंधे थोड़ी है, वो अंधे तो उनको नजर नहीं आता। अल्लाह हू अकबर। हालांकि हमारे ही लिए जिसको दिल की आंख मिल जाए सर, मुराद यही है, बाकी तो आंखें तो रोशन है और दिल की आंख नाबीना को भी मिल सकती है, और दिल की नजर को बसीरत बोलते हैं और इन आंखों की नजर को बसारत बोलते हैं। वीडियो है हमारे पास मदीने शरीफ वाली, हम चाह रहे हैं वो भी दिखाएं, आप भी जरा गौर से देखें कि ये क्या है। तो ये शान है मेरे आका की। जनाब जन्नती जी, कोई बुढ़ा वैसी या ना वैसी, इतने तो पीर खाने ने घर से बुढ़े बहू आ गए, उसे जन्नती भी ऐसा कोई संभले सी जी, कौन पीर साहब संभाला। हाँ भाई, कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा कि नहीं, कौन देगा जवाब? जन्नत में सब जवान होंगे, बूढ़ा कोई भी नहीं होगा बाबा जी। उम्र कितनी होगी? 30। 30 साल के? जी जी, जी। नहीं, क्या जो भी जन्नत में जाएगा ना, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा 30 बरस का मालूम होगा। भाई जिन्होंने ये 30 साल का बताया उनको कुछ तोहफा दे दीजिए। वही लब्बैक बापा। बापा मैं खुदा की बस्ती सरजानी टाउन से आया हूँ। उम्र तो बता दीजिए। मेरी उम्र जनाब 1947 14 अगस्त है। ऐसा आप लगाए, कितनी उम्र हुई इनकी?
इन्होंने जो अपनी जो तारीख पैदाइश बताई ना, 14 अगस्त 1947। अच्छा अच्छा, तो यो में पाकिस्तान को पैदा हुए जनाब। तो ये तो भाई, तो इनको तो तोहफा मिलना चाहिए सिर्फ। ये भी टेक्निक है एक, मतलब ये कसौटी है आपकी। अब आप हिसाब लगाओ, पाकिस्तान की उम्र कितनी है, जितनी पाकिस्तान की उम्र है इतनी इनकी है। सुभान अल्लाह। उस दिन 27 रमजान भी थी क्या? अरे वाह भाई, रमजान ही है ये। बजरिया हज सफर मदीना, फारूक अत्तारी बिन उमर अत्तारी। सुभान अल्लाह। बजरिया उमरा मुसाफिर मदीना, हामिद अली बिन रियाज अहमद। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, मदीने से मुझको बुलावा मिला।